उसमें मामला निकल करके यही आया है कि एक जो प्रत्याशी था उसके समर्थक बड़ी संख्या में वहां मौजूद थे, जो वोटर वहां पर वोट डालने के लिए आ रहे थे उनको दबाव बनाया जा रहा था उन पर, और इतना दबाव बनाया जा रहा था कि कुछ कहा नहीं हुई, उसके बाद अंदर झगड़ा हो गया। झगड़े में नौबत इतनी हुई कि जो लोग वो बाहर खड़े थे उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, अंदर जो लोग थे उन पर डंडे थे, उन्होंने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, और उसके बाद उनको बाहर तक खदेड़ते अंदर से कुर्सी भी निकाल कर आ गए। एक व्यक्ति के हाथ में कुर्सी भी वहां पर दिखाई दी, और जैसा आपने कहा कि अंदर सामान को भी नुकसान वहां पर पहुंचाया गया होगा, और ये मतदान कर्मी फाइल हाथ में लेकर, जी हां आई कार्ड इनके लगा हुआ है, जाहिर तौर पर जो स्थिति वहां पर बनी उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा करते करते वहां से भागना मुनासिब इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उनकी जान भी बेहद जरूरी है, और फाइल लेकर वो वहां से भागे क्योंकि जो फाइल थी, जो मतदाता सूची रहती है मतदान कर्मियों के हाथ में, उसको किसी रूप में किसी तरीके से नुकसान ना पहुंचा पाए भीड़। देखिए रविंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मतदान कर्मी वहां मौजूद थे वो उनको जो है अंदर गेट में बंद करने की कोशिश की गई थी, दोनों तरफ से गेट को जो मतदान मतलब बंधक बनाने की कोशिश की गई थी, बंधक बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने सूझबूझ के तहत जो है भाग करके अपनी जान बचाई, और उसके बाद इतना हुआ कि जो अंदर जो है गहमा गेम हुई, सामान के साथ तोड़फोड़ की गई, और जो वहां पर मतदान कर्मियों के लिए जो सामान रखा हुआ था, लोहे के स्टूल और अन्य सामान, उनको जो लोग हैं वो बाहर निकाल करके लेके आए, और जो दूसरे लोग थे उनके साथ उन्हीं उसी सामान से मारपीट करने लगे। एक व्यक्ति जो है लाल कलर की टी शर्ट पहने हुए, उसके हाथ में तो डंडा नजर आ रहा है, यानी कि लाठी है उसके पास। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो लाठी अंदर कैसे पहुंची। बिल्कुल दीपक, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, और फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तस्वीरों को बताने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से घटना निकलकर सामने। एक और बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवाएंगे, चुरू से ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। शीतला चौक बूथ संख्या 127 पर हंगामा हुआ है, फर्जी वोटिंग को लेकर भिड़े हैं बीजेपी कार्यकर्ता और माफ कीजिए कांग्रेस कार्यकर्ता, लाठी सरियों से तोड़फोड़ की गई है, मारपीट की गई है, फर्जी वोटिंग को लेकर भिड़े हैं कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मारपीट की है घटना। चुरू से बड़ी खबर, लाठी सरियों से तोड़फोड़ और मारपीट की गई है। देखिए ये बड़ी शर्मनाक घटनाएं इस वक्त चुनाव से निकलकर सामने आ रही, मौके पर पत्थरबाजी से विवाद भी बढ़ा है। शीतला चौक बूथ बताया जा रहा है, संख्या 127 है जहां पर यह हंगामा हुआ है। बड़ी खबर चुरू से। बिल्कुल, चुरू में हम कल से ही देख रहे हैं, चाहे चुरू जिले की तारानगर सीट हो वहां पर कुछ विवाद देखने को मिला, चुरू में आज सुबह भी कुछ इसी तरह की बात निकलकर सामने आ रही थी, और अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, लाठी और सरियों से तोड़फोड़ की गई है, मारपीट की गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों के जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए हैं शीतला चौक बूथ संख्या 127 पर यह जबरदस्त तरीके से हंगामा किया गया है, और फिलहाल फर्जी वोटिंग को लेकर आपस में दोनों कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के भिड़ गए हैं। जबरदस्त लड़ाई चुरू में विधानसभा सीट पर है, लेकिन लड़ाई मतदान के जरिए जीतनी चाहिए, फतह करनी चाहिए, और अगर हार नसीब होती है तो फिर जनता के इस मैंडेट को सराखों पर रखना चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई भी, बार बार हम यही कह रहे हैं कि हिंसा की, पत्थरबाजी की, लड़ाई की, मुठभेड़ की, प्रदर्शन की कोई जगह मतदान के दिन नहीं होनी चाहिए। तस्वीरें भी देखिए ममता सामने आ चुकी हैं चुरू की। बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी भी वहां पर मौजूद है, लेकिन इस भीड़ को आखिर कैसे काबू किया जाए, सुरक्षाकर्मी लगातार समझाइश करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप देखिए तोड़फोड़ देखिए किस तरीके से कुर्सियों को वहां पर पलटा गया है। और वहां पर मनोज इस वक्त संवाददाता हमारे साथ है, मनोज देखिए ये चुरू से जो खबर इस वक्त सामने आ रही है, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कुर्सी पलटाई गई है, तोड़फोड़ की गई है, पुलिसकर्मी समझाइश कर रहे हैं, फर्जी वोटिंग को लेकर बात सामने आ रही है। बिल्कुल, जो फर्जी वोट को लेकर जो चुरू का 127 नंबर बूथ है, शहर का ये बूथ है, और शहर के इस बूथ के अंदर ये तोड़फोड़ मारपीट की जो घटना है वो यहाँ हुई है। जो भाजपा कार्यकर्ता और कांग्रेस कार्यकर्ता है वो इस फर्जी वोट की बात को लेकर आमने सामने हो गए, जिसके बाद माहौल है वो खराब होता चला गया। सूचना के बाद मौके के ऊपर जो पुलिस है, पुलिस के जो अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे, और उसके बाद दोनों पक्षों को समझाइश की गई, हल्का बल प्रयोग भी किया गया, उसके बाद इस मामले को शांत करवाया गया। अब इसके बाद से ही लगातार जो मतदान है वो यहाँ शुरू हो चुका है फिर से, और साथ ही जो पुलिस का भारी जाब्ता है वो यहाँ तैनात किया गया है। जी मनोज, किस तरह से ये शुरुआत हुई, फर्जी वोटिंग का आरोप कैसे एक दूसरे पर लगाया गया, और वहां मौजूद संबंधित अधिकारियों ने कुछ बात रखी क्या सामने इस संबंध में? देखिए जो अधिकारी हैं वो दरअसल इस तरह के जो मामले होते हैं उनके अंदर कुछ भी बयान देने से बचने का प्रयास करते नजर आते हैं, ऐसा ही
सुबह भी एक बागला स्कूल के अंदर जो घटना हुई थी उसमें भी किसी अधिकारी के द्वारा बयान नहीं दिया गया था, और जब ये 127 नंबर बूथ पे घटना हुई उसके अंदर भी किसी अधिकारी के द्वारा पता क्या चला आपको अपने सूत्रों से, कैसे शुरुआत हुई फर्जी वोटिंग के आरोप किस तरह से लगे? ये जो फर्जी वोटिंग का आरोप है वो जो भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर लगाया गया कांग्रेस के द्वारा, और कांग्रेस के ऊपर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगाया, दोनों ने एक दूसरे पे आरोप लगाया. अच्छा. कि फर्जी जो मतदान है वो यहाँ करवाया जा रहा है, जिसके बाद से ही जो मामला है जो विवाद है वो बढ़ता चला गया. इसके बाद काफी जो लोग हैं वो हाथों में लाठी और सरिया लेकर यहाँ पहुंचे, जिसके बाद माहौल बिगड़ गया. कुछ दो लोगों के मामूली चोट भी आई, पत्थरबाजी भी हुई, और पत्थरबाजी में पुलिस के एक जवान की जो राइफल है वो भी क्षतिग्रस्त हुई है. जी अभी शांति है पूरी तरह से, मतदान जारी है? जी बिल्कुल, अभी यहाँ शांति है, पुलिस का जाब्ता तैनात है और मतदान जारी है. बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया करना चाहूंगा इन तस्वीरों के साथ. मनोज शर्मा ने हमारे संवाददाता ने इस खबर को ब्रेक किया है. तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचाई कि चुरू में किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे पर ये आरोप लगाते हुए कि फर्जी मतदान उनकी तरफ से कराया जा रहा है. ये बात, ये विवाद शुरू हुआ, उसके बाद फिर लाठी डंडे सरिया लेकर दोनों ही के पार्टी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, आरोप लग रहा है. उसके बाद फिर एक दूसरे की तरफ से यहां पर कुर्सियां भी तोड़ी गई और साथ ही साथ पुलिस ने भी यहां पर समझाने की कोशिश की. चलिए एक और बड़ी खबर आपको देते हैं. धौलपुर से एक और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पर